हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी देने वाला हूं, वो देश सुपर पावरफुल है। लेकिन ध्यान रहे कि इस देश के फ्लैग को डिजाइन किया गया है एक स्कूल के बच्चे के द्वारा। दोस्तों, आज आप जिस कंट्री के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं वो वर्ल्ड लीडर है। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात यह है कि इस देश में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों, अगर आज दुनिया में हर चीज आप अपने घर में बैठे बैठे कर पा रहे हैं तो उसके पीछे भी इसी देश का बड़ा हाथ है। जी हाँ, तभी तो इस पावरफुल कंट्री को हाउस ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। दोस्तों, सुनने में तो ये तक आया है कि यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि एलियंस तक को इन्होंने कैद किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे ताकतवर देश द वर्ल्ड लीडर अमेरिका के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। बस दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे नॉर्मली सब यूएस या अमेरिका के नाम से जानते हैं, वो एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का देश है। इस देश में कुल मिलाकर 50 राज्य हैं, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट और 5 सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं। आपको बता दूं कि ये देश 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। फ्रेंड्स, इस देश की आबादी इस समय लगभग 33 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है और सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों की सूची में ये चीन और भारत के बाद तीसरे नंबर पे आता है। दोस्तों, यहाँ की कुल आबादी में 83% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है, यानी कि शहरों में, वहीं मात्र 17% पॉपुलेशन ही रूरल एरियाज में रहती है। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको बता दूं कि अमेरिका की अभी जो राजधानी है यानी कि वॉशिंगटन डीसी, वो हमेशा से इस देश की कैपिटल सिटी नहीं रही है। कई लोगों को लगता है कि वॉशिंगटन डीसी ही अमेरिका के शुरू से राजधानी रही है, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। जी हाँ, न्यूयॉर्क सिटी सबसे पहले इस देश की राजधानी थी। यहीं से सारी पॉलिटिकल चीजें एक्शन में ली जाती थी। लेकिन जुलाई 16, 1790 को वॉशिंगटन डीसी को यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी बना दिया गया। बिल दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये बात शायद नहीं पता है कि अमेरिका का अपना कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ, कई लोगों को लगता होगा कि अमेरिका का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश या स्पेनिश हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इंग्लिश स्पीकर यहाँ सबसे ज्यादा है, तो सब काम इंग्लिश लैंग्वेज में ही हो जाता है, इसलिए ऐसी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले यूएसए की जीडीपी सबसे ज्यादा है। जब बात आती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्शन पावर की, तो अमेरिका का हाथ पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ की जीडीपी 21.43 ट्रिलियन डॉलर्स की है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दूसरों से कितना आगे है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस शहर को आप न्यूयॉर्क के नाम से जानते हैं आज, उसे कभी न्यू एम्स्टरडैम कह के बुलाया जाता था। जी हाँ, यहाँ पर 16वीं सदी के समय बहुत सारे डच लोग मैनहट्टन में रहते थे और उन्होंने न्यूयॉर्क का नाम बदलकर न्यू एम्स्टरडैम रख दिया था। हालांकि 17वीं सदी के अंत में एक बार फिर इसे न्यूयॉर्क सिटी नाम दे दिया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका के पास अपना कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की सबसे आइकॉनिक चीज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रेंच भाषा बोलती है। जी हाँ, चौंक गए ना आप भी। आपको बता दूं कि दरअसल ये जो आइकॉनिक स्टैच्यू आप देख रहे हैं, ये अमेरिकन्स ने नहीं बनाया, बल्कि ये अमेरिका को गिफ्ट में दिया था फ्रांस ने। इसे 1886 में अमेरिका को गिफ्ट स्वरूप दिया गया था। क्या बात है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका के लोग एक दिन में कितना पिज्जा खा जाते हैं? आप सोच भी नहीं सकते कि लोग किस हद तक पिज्जा से प्यार करते हैं। बिल दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ के लोग 100 एकड़ जमीन जितना बड़ा पिज्जा रोल खत्म कर देते हैं हर रोज। यहाँ के लोगों के बीच में चीज पिज्जा सबसे पॉपुलर है, और कोई भी मौका हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, यहाँ आपको पिज्जा खाने को जरूर मिलेगा। तो आप जब भी अमेरिका जाएं, आप यहाँ एक से बढ़कर एक पिज्जा की अलग अलग वैरायटीज जरूर ट्राई करें। दोस्तों, अमेरिकन लोग बिजली का इस्तेमाल भी खूब करते हैं। आपको बता दूं कि दुनिया की ज्यादातर बिजली का हिस्सा अकेले अमेरिका में ही यूज किया जाता है। कैन यू इमेजिन कि 17% हिस्सा अमेरिकन खुद इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी 83% में पूरी दुनिया आती है। यहाँ के लोगों को रोशनी काफी पसंद है भाई। बिल दोस्तों, आज जो पूरी दुनिया इतनी छोटी लगने लगी है, आज जो आप अपने घर से बैठकर कोई भी काम कर पाते हो, आज जो आप वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हो, ये सब अमेरिका की ही देन है। जी हाँ, इंटरनेट को दुनिया में इंट्रोड्यूस करने का काम अमेरिका ने ही किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1960 से ही यहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि 1989 में पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। दोस्तों, क्या आज तक आपने कभी किसी ऐसे स्टेट के बारे में सुना है जहाँ की हर एक चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम हो? जी हाँ, कोई भी राज्य जहाँ की हर एक चीज वहाँ की सरकार की हो, क्या आपने कभी इस तरह के स्टेट के बारे में सुना है? नहीं ना। चलिए आज हम आपको बताते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेवाडा अमेरिका का एक ऐसा स्टेट है जो कि पूरी तरह से ओन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एरियाज, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स और मॉन्यूमेंट्स का जमावड़ा है जिसकी देखभाल सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप मैकडॉनल्ड्स का नाम सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है कि नहीं? लेकिन अमेरिका में ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जी हां, आपको बता दूं कि यहां के 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी इस रेस्टोरेंट में काम करके अपने घर को चलाया है। क्या बात है, यहाँ पर कॉलेज के बाद ज्यादातर लड़के लड़कियां इस फास्ट फूड चेन में काम करते हैं, पढ़ाई करते करते भी यहाँ पर काम करते हैं और पार्ट टाइम में कमा कर अपनी फी भरते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहाँ के व्हाइट हाउस को बनाने में किसका सबसे बड़ा हाथ है? जी हाँ, वही व्हाइट हाउस जहाँ दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान रहता है। आपको बता दूं कि यहाँ जब बात आई प्रेसिडेंट के लिए शानदार घर बनाने की तो यहाँ पर ज्यादा मजदूर नहीं मिले। ऐसे में अफ्रीकन अमेरिकन गुलामों को यूज किया गया था व्हाइट हाउस बनाने के लिए। समझिए कि जिस घर में दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान रहता है उसे 1792 में गुलामों ने मिलकर बनाया था। फ्रेंड्स, अमेरिका का सबसे पॉपुलेटेड शहर है न्यूयॉर्क सिटी। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि हर 38 अमेरिकन आदमी में से एक का घर इस खूबसूरत शहर में है। आपको बता दूं कि 27,000 लोग पर स्क्वायर माइल में आपको यहाँ नजर आएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ आपको ऐसे ही देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका के अलाबामा में एक ऐसी भी शॉप है जो कि है सबसे अलग। इस दुकान में एयरपोर्ट पर खोए हुए बैग्स को बेचा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट से इन बैग्स को लाया जाता है जिसे किसी ने पिक नहीं किया होता, यानी कि वैसे बैग्स जिसे किसी ने क्लेम नहीं किया और उन्हें अलाबामा के स्टोर पर बेचा जाता है। तभी तो कहा जाता है कि अगर अमेरिका के एयरपोर्ट पे आप कभी भी अपना बैग गलती से भी भूल गए तो कुछ दिनों के बाद आपको वो बैग अलाबामा के स्टोर से मिल जाएगा। बड़े बड़े देशों में इस तरह की बातें होती रहती हैं। वेल फ्रेंड्स, अमेरिका के लोगों के बीच में गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना बहुत पॉपुलर है। कहा जाता है कि यहाँ पे हर किसी को जुआ खेलने का शौक होता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ के लोग 54 से 55 अरब डॉलर यानी कि लगभग 30 लाख करोड़ का जुआ खेल लेते हैं। लगता है इस देश में पैसों की भी कोई कमी नहीं है और ऐसे में अमेरिकन भी खूब पैसे उड़ाते हैं। दोस्तों, अमेरिका के लोगों के बीच में टीवी पे आना बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, यहाँ के लोगों को लगता है कि अगर आप लाइफ में एक बार कभी टीवी पे आ गए तो समझिए कि आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तभी तो यहाँ के लोग हर तरह से मेहनत करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह उन्हें टीवी पे आने का मौका मिले। आपको बता दूं कि यहाँ की कुल आबादी का 25% हिस्सा आज भी लाइव टीवी शोज पे एक बार जरूर आ चुका है। ये रूल वैसे हमारे देश में भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे बिग बॉस में आने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। दोस्तों, एक बात जो आपको हिंदुस्तानी होने पे गर्व महसूस कराएगा वो ये है कि अमेरिका में हिंदुस्तानी लोगों को बहुत इज्जत दी जाती है। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ के लोग हिंदुस्तान के लोगों को सबसे ज्यादा टैलेंटेड कहते हैं। उनके हिसाब से हिंदुस्तान के यंगस्टर्स आने वाले दिनों में दुनिया पे राज करने वाले हैं। दोस्तों, इस बात को लेकर तो फटाफट इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करते रहिए। वेल, अमेरिकन्स की लाइफस्टाइल हमारे देश की लाइफस्टाइल से बहुत अलग है। आपको बता दूं कि यहाँ पर 16 साल की आयु पे ही कार चला सकते हैं, 18 का होने पे पिस्टल रख सकते हैं और वोट डाल सकते हैं और 21 का होने पे ही शराब खरीद सकते हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ का रहन सहन हमारे देश से कितना अलग है। वैसे पिस्टल रखना वहाँ पे कॉमन बात है, लेकिन हमारे देश में बिना लाइसेंस के कोई ऐसे पिस्टल या गन नहीं रख सकता। वेल दोस्तों, एक ऐसी बात इस देश के बारे में जो कि आपको हंसा सकती है और वो ये है कि यहाँ के 7% लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि वो कभी नहाए नहीं। कहने का मतलब ये है कि लाइफ टाइम में इन्होंने कभी भी शरीर पे पानी ही नहीं डाला। क्या ये बात सच हो सकती है? अगर ऐसी बात है तो कहा जा सकता है कि यहाँ के कुछ लोग अनहाइजीनिक हैं, कई दिनों तक नहाते नहीं भाई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अलास्का जो कि आज अमेरिका का हिस्सा है वो कभी रूस का हिस्सा था। आपको बता दें कि 30 मार्च 1867 को रूस से अमेरिका ने अलास्का को $7.2 मिलियन में खरीदा था। दोस्तों, इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन सौदा कहा जाता है। रूस की नजर में अलास्का में कुछ भी नहीं था, लेकिन अमेरिका ने जब ये उनसे खरीद लिया तो वहाँ तमाम तरह के रिसोर्सेज निकले जिसे बेच बेच कर अमेरिका ने खूब पैसे बनाए। बाद में शायद रूस पछताया भी होगा इस सौदे को लेकर। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अमेरिका में 1924 तक कोई भी इंडियन नहीं रह सकता था, लेकिन उसके बाद समय ने ऐसी पलटी मारी कि आज अमेरिका के लोग इंडियंस के बिना अपने देश में रह ही नहीं सकते। हमारे देश की टेक्नोलॉजी, हमारे देश के टैलेंट का इस्तेमाल अमेरिका काफी कर रहा है। भारत के IIT के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को नौकरी अमेरिकन कंपनीज ही देती हैं। आज हिंदुस्तान का बोलबाला है पूरे अमेरिका में। ऐसे आप में से कोई है क्या अमेरिका के रहने वाले? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका में सिंगल मॉम्स की संख्या बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के नियम कानून के मुताबिक कोई भी लड़की बिना शादी किए यहाँ पर बच्चे को जन्म दे सकती है और ऐसी महिलाओं या लड़कियों की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इस चीज को लोग बुरी नजर से नहीं देखते हैं। दोस्तों, अंत में आपको बता दें कि अमेरिका के लोग चाहे कितने भी इमोशनल क्यों ना हो, वो अपने बच्चे से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन यहाँ की सोच बिल्कुल साफ है। यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को 16 सालों के बाद मदद करना छोड़ देते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को खुद ही सब कुछ करना होता है ताकि वो लाइफ के रियलिटी के बारे में सीख सके, और शायद इसी तरह की सोच की वजह से ये देश इतना डेवलप्ड है। तो दोस्तों, ये था अमेरिका। कैसा लगा बताएं हमें कमेंट्स में,
और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।